फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन क्या है, उसके कॉजेस क्या हैं, और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, उसका रीज़न क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ओके, और एंगल्स भी पढ़ चुके हैं कि एंगल आई अगर एयर टू ग्लास में जाता है तो एंगल आई जो है हमेशा ग्रेटर होता है एंगल आर से। देन इसी तरह से अगर डेंसर टू रेयर में जा रहा है तो उस समय एंगल आर ग्रेटर होता है किससे, एंगल आई से। ये चीज़ तो हम स्टडी कर चुके हैं। लेकिन अगर जब लाइट जो है गोज होती है या जाती है कहाँ से, एयर से ग्लास में एंड अगेन ग्लास टू एयर में, तो क्या सिचुएशन हो सकती है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं या आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस सब चीज़ों के बारे में। तो हमारा फर्स्ट केस क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट केस क्या होगा हमारा कि लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर, इन दोनों प्रोसेस हमारे साथ साथ चल रहे हैं। यानी लाइट का कहां से, एयर से ग्लास में जाना और ग्लास से वापस एयर में आना, तो इस सिचुएशन में क्या हमारी दोनों जो एंगल्स बनेंगे वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही कहलाएंगे, तो वो चीज हम अभी डायग्राम्स के थ्रू देख सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम डायग्राम शो करते हैं। ये हमारा क्या है, ग्लास है। ओके, यहां पर ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एन और एन डैश से। क्लियर बच्चों? अब हमारा क्या होगा, ये देखो ये तो एयर हो गया और ये ग्लास हो गया, अगेन ये एयर है। क्लियर? तो हमें तो दोनों मीडियम में लेके जाना ना, एयर से ग्लास में और ग्लास से एयर में। तो सबसे पहले जो हमारी रे, इंसिडेंट रे यहां से आएगी, तो आपको पता है कि जब मीडियम चेंज होता है यानी एयर से ग्लास में आती है तो स्पीड की डायरेक्शन भी चेंज होती है ना। तो यहाँ पर इस समय डिक्रीज होगी ना ये चीज, तो डिक्रीज होते ही क्या हो जाता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर? और जब हमारा सेकंड नॉर्मल हमारा यहां होगा, क्लियर, ये क्या होगा, एंगल आई और एंगल आर, ये यहां से आई है और इधर को जा रही है। ध्यान देना मैं क्या लिख रही हूं और क्या कर रही हूं। यहां से मैं एयर थोड़ा इधर शिफ्ट कर देती हूं, तो ये ए है, आपकी रे ए है। यहां तक समझ आया? अब ये वाला पॉइंट हमने ओ दे दिया और ये वाला पॉइंट हमारा बी हो गया। अब देखो ये एयर से ग्लास में है, ये ग्लास से वापस एयर में जाएगी, तो जब वापस ग्लास जाएगी तो आपको ये भी पता है कि यहां पर अब स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और जैसे स्पीड इंक्रीज होगी तो नॉर्मल से अवे यानी दूर चली जाएगी। तो नॉर्मल से अवे का मतलब ये ऐसे जाएगी, समझ आया? तो अब यहां जो एंगल हमारा बनेगा, देखो ये एंगल जो हमारा बन रहा है ये क्या होगा, ये हमारा एंगल होता है ई। क्लियर? अब एंगल ई क्या है, अभी इसको कहते हैं इमरजेंस एंगल। ये जो एंगल हमारा कहलाता है ये क्या कहलाएगा, इमरजेंस एंगल। और ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है ना बच्चों कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये जो एंगल, अब देखो ये हमारी इंसिडेंट रे कहलाई, इंसिडेंट रे, तो हमारी ये क्या कहलाएगी, ये वाली बीच वाली जो है वो ये क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और ये वाली रे कौन सी कहलाएगी, ये कहलाती इमर्जेंट रे।
क्लियर बच्चों, ये हमारी इमेजिनरी रे और इसको नाम देंगे हम सी। देखो ए से ओ, ओ से बी और बी से सी, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। अब देखिए एक्चुअली जो रे है हमारी, जिस जो हमारी रे आनी चाहिए थी इंसिडेंट रे, वो कहाँ से आनी चाहिए थी, उसकी एक्चुअल रे क्या होनी चाहिए थी, देखिए कहाँ से, इस तरह से होनी चाहिए थी। ओके तो जो ये डिस्टेंस आई हमारी, ये जो डिस्टेंस है यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, उसे कहते हैं हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मैं इसे यहां लिख देती हूं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट यानी ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या कहला रहा है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, या हम इसको डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ओ से डी जो सीधी रे हमारी आ रही है वो क्या है, वो हमारा डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे है। ये थोड़ी सी तिरछी हो गई है, हल्की सी तिरछी है ये रे, ओके। और ये रे हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे। इसको ग्लास स्लैब को भी हम नाम दे सकते हैं पी क्यू आर और एस, आर इधर आएगा और एस सीक्वेंस में चलता है, पी क्यू आर एस। समझ आया, यहां तक क्लियर हुआ आपका, हर चीज समझ आ गई होगी। और ये जो एंगल है हमारा, देखो ये रिफ्रैक्टेड रे है तो ये भी एंगल रिफ्रैक्शन है। ओके तो अब दो चीज यहां पर आपके नहीं आ रही है, देखो ये तो आपको पता था इंसिडेंट एंगल और एंगल आर तो आपको पता है, लेकिन यहां दो चीज आपको क्या मिली, एक तो एंगल ई मिला है और दूसरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट मिला है। ओके तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इमर्जेंट रे क्या होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा हमने एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से। आपको समझ आ गया होगा, रफली डायग्राम एक और बना देती हूँ यहां पर मैं। ये हमारा क्या था, ग्लास स्लैब था, यहां से हमने क्या करा था, इंसिडेंट रे लाए थे और ये इंसिडेंट रे हमारी क्या थी, सॉरी ये इंसिडेंट हमारी क्या थी, नॉर्मल से क्या हो रही थी, टूवर्ड्स, और फिर ये क्या हो रहा था इसका अभी। तो ये जो एंगल ई था हमारा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये हमारा एंगल आई था। ये मैंने रफली डायग्राम बनाया, फेयर डायग्राम मैं पहले बना चुकी हूँ, है ना, अभी सिर्फ एंगल ऑफ इमरजेंस समझाने के लिए आपको रफली डायग्राम बना के दिखाया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है हमारी एंगल ऑफ इमरजेंस की, कि द एंगल विच द इमरजेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि जो एंगल किससे बन रहा है, जो ये देखो नॉर्मल से अगर जनरली हम निकालेंगे तो ये हमारी क्या ओरिजिनल वो है, और जो हमारी रे ये इमर्जेंट रे कहलाती है, ये वाली ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारी इंसिडेंट रे है। तो इसका कहना है कि जो एंगल इमर्जेंट रे से बन रहा है, नॉर्मल से नॉर्मल इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी ई कह रहे हैं। अब इसमें दूसरी बात क्या है कि एंगल जो ई होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है एंगल आई, समझ आया, ऐसा क्यों होता है, ये इक्वल क्यों होता है, एंगल आई एंगल ई के इक्वल क्यों है, उसका रीजन क्या है, जनरली पूछ लिया जाता है, क्योंकि बिकॉज द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंस रे
are parallel to one another. समझ आई बात कि कैसे होते हैं कि एंगल ई एंगल आई के इक्वल क्यों है, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो इमर्जेंट रे, देखिए क्या कहा उसने कि जो इंसिडेंट रे है वो इमर्जेंट रे एक दूसरे क्या होते हैं पैरेलल पे होते हैं, और पैरेलल के कारण ही वो एंगल ई जो है एंगल आई के इक्वल होता है. ओके, सेकंड बात इसमें हमने क्या पढ़ा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, उसकी भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, लैटरल डिस्प्लेसमेंट देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे फ्रॉम अ ग्लास स्लैब एंड द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड. समझ आई डेफिनेशन, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच में, बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड ग्लास स्लैब. देखिए इमर्जेंट रे कौन सी थी हमारी, ये रही, और ग्लास स्लैब क्या है, ये है ना. तो इमर्जेंट रे फ्रॉम अ ग्लास स्लैब एंड द इंसिडेंट रे, यानी ग्लास स्लैब से और इंसिडेंट रे से जो इस परपेंडिकुलर रे है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, जो आगे जाकर प्रोड्यूस होती है. देखो ग्लास स्लैब से ये आगे जाके प्रोड्यूस हो, मतलब ये तो मेन तो हमारी ये थी जो एंगल बना रही है वो तो ये है, लेकिन ये प्रोड्यूस हो रही है ना, ओरिजिनल पाथ है जो हमारा ये है. इन दोनों का जो डिस्टेंस है ग्लास स्लैब से इंसिडेंट रे के बीच से जो बन के आ रहा है वो हमारा क्या कह रहा है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कह रहा है. क्लियर. अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मेनली किस पर डिपेंड रहता है, देखिए इट इज डिपेंड ओनली, इट इज डिपेंड्स मेनली ऑन थ्री फैक्टर, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है. कौन कौन से फैक्टर है वो, एक तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझ आया. सेकंड क्या होगा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की कितनी थिकनेस है जिसके आधार पर वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट शो करेगा. तो सेकंड क्या लिखेंगे हम, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, और थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ग्लास स्लैब की. वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अभी हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. रिफ्रैक्टिव ग्लास स्लैब. समझ आया कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. ओके, अब जो ये फैक्टर्स होते हैं ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर इनमें से कोई भी इंक्रीज होता है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट आल्सो इंक्रीज, अगर इसमें से कोई एक आध डिक्रीज होता है तो आल्सो डिक्रीज. समझ आया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ आ गया होगा कि क्या करेंगे हम, जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटरल डिस्प्लेसमेंट. ओके, मे बी क्लियर.
तो नेक्स्ट केस हमारा क्या हो सकता है, यानी सेकंड केस, द लाइट फॉलिंग परपेंडिकुलर ऑन अ ग्लास हिल। अब इसे समझिए, देखो फर्स्ट में हमने देखा था कि जो लाइट थी वो एयर से वाटर में, वाटर से एयर में जा रही थी। यहां भी हम देखते हैं कि हमने क्या लिखा, लिया एक ग्लास स्लैब लिया है, ओके। अब उसका क्या है, ये नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है। अब इस पर हमने क्या कहा कि द लाइट फॉलिंग परपेंडिकुलर, इस पर कोई लाइट अगर परपेंडिकुलर सीधी गिर रही है, इंसिडेंट रे जो है फॉल्स हो रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये जो आपकी सरफेस है, ये वाली सरफेस है, इस पर लाइट जो है क्या है सीधी परपेंडिकुलर गिर रही है ग्लास स्लेब पर, तो क्या होगा, क्या लाइट बेंडिंग होगी, तो नहीं होगी। इट मीन्स कि अब मैं लाइट बना रही, देखिए ये लाइट इस पर फॉल डाउन हो रही है, तो ये लाइट ऐसे जाएगी, ये नॉर्मल पर ही जा रही है सीधी की सीधी। मेरी लाइन थोड़ी तिरछी बन रही है, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो सही बन जाएगी, ओके। इसका नाम देते हैं ए लाइट है, ये इस पर गिर रही है, दिस इज ए इंसिडेंट रे, ओके। अभी कहाँ जा रही है, देखिए ये सीधी जा रही निकल रही है, और ये हमारा हिस्सा हो जाएगा बी और ये हिस्सा हो जाएगा सी, ये सीधी गई, समझ आया। अब आप देखो अगर ये सीधी जा रही तो सरफेस से जो ये एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 90 डिग्री, इसका मतलब ही 90 डिग्री होता है, ओके। लिखना चाहे लिख लीजिए, नहीं तो वैसे 90 डिग्री होता है ये। और ये मीडियम क्या है हमारा, ये मीडियम एयर है, तो ये मीडियम क्या है हमारा, ग्लास है। क्लियर, मेरी बात क्लियर हो रही है। तो अब यहां पर अगर इस तरह की पोजीशन है तो बनने वाला जो एंगल है, एंगल यानी आई जो एंगल है और आर जो एंगल है, उस वो क्या होगा, क्या वो दोनों इक्वल है या क्या है उनका, क्या रिजल्ट है उनके पास। तो देखिए जब भी कोई, इस बात को समझिए कि जब भी कोई इंसिडेंट रे फॉल्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए ग्लास स्लैब, तो देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट एंड इट गोज स्ट्रेट। मेरी बात क्लियर हो गई, समझ आई कि कभी भी गिरने वाली जो लाइट है वो बेंड नहीं होती, वो सीधी निकल जाती है। इट मीन्स क्या हुआ, एंगल आई इज इक्वल टू जीरो, तो ऑल्सो एंगल आर भी क्या होगा आपका, जीरो। समझ आया कि सेकंड केस में जो लाइट फॉल होती है परपेंडिकुलर, तो एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी जीरो होता है, और इस सरफेस से यहाँ पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ओके। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट मतलब क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं रिफ्लेक्शन के। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्विमिंग पूल सब जानते हैं ना, और देखा भी है, स्विमिंग पूल ऑलवेज लुक्स शैलो का मतलब होता है लेस डीप, कम, ओके, लेस डीप देन इट इज रियली। ये इफेक्ट होता है, यानी कि जब आप स्विमिंग पूल में देखते हो तो हमेशा वो कैसा दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी जो उसकी एक्चुअल डेप्थ होती है वो तो हमें दिखाई नहीं देती है ना, और कहाँ दिखाई देती है, उससे ऊपर उठा हुआ। जब भी कहते हैं कि स्विमिंग पूल में हमेशा बहुत ध्यान से नीचे उतरना चाहिए, क्योंकि आपको डेप्थ तो एक्चुअल पता नहीं चलती है, तो एकदम अगर आपकी ज़्यादा डेप्थ हुई तो डूबने की भी संभावना रहती है ना। तो ये इसका रीज़न क्या है, अगर वैसे तो आपको अगर इफेक्ट्स पूछेंगे तो यहाँ तक आप लिख दीजिए, लेकिन आपसे पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है, वाई, तो उसका रीजन क्या होता है, बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम द
बॉटम, यानी जहां उसके एक्चुअली डेप्थ होती वहां से, ऑफ द पूल पूल बैंक्स व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द कम्स आउट एट द लगाइए एट द सरफेस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ आया कि क्या रीजन है स्विमिंग पूल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना? बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम द बॉटम, जब लाइट बॉटम से ऊपर की ओर आती है, तो देखो यहाँ दो मीडियम है, एक एयर जहां से आप देख रहे हैं और दूसरा मीडियम क्या आपका वाटर, तो वाटर से जो लाइट बाहर आ रही है कम द बॉटम ऑफ द पूल बेंड्स व्हेन इट कम्स आउट एट द सरफेस, और जब सरफेस तक पहुंचती है तो बेंड हो जाती है किसके कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण, और जिसके कारण आपको स्विमिंग पूल क्या दिखाई देता है, लेस डीप दिखाई देता है। अब इसको हमें ना एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो शायद आपको और क्लियर हो जाएगी ये चीज कि क्यों ऐसा होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, ये हमारी वाटर सरफेस है ना, पानी भरा हुआ जिस हिस्से में, और ये हमारा बॉटम है, ये मान लीजिए आप, क्लियर कि ये हमारा क्या है, ये स्विमिंग पूल है, है ना। अब स्विमिंग पूल में क्या होगा जनरली कि आपकी जो सरफेस है वो क्या है, ये वाली है, बॉटम ये वाला है, यहां से मतलब हम देख रहे हैं, तो देखने के लिए जब यहां से लाइट जा रही है ना, इस हिस्से से जब लाइट जाएगी तो क्या होगा, वो लाइट इस सरफेस पर जब टकराई है, नहीं है, देखिए ऐसे ये गई, अब इस पे ये नॉर्मल मान लीजिए आप, ये नॉर्मल है। ओके, अब नॉर्मल से क्या होता है, आपको अगर ध्यान है कि जब भी कभी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवे हो जाती है, याद आया कुछ, तो अवे होने का मतलब क्या हुआ कि दूर चली जाएगी, ऐसे जाएगी। आया, क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, है ना। अब ऐसे ही एक आपकी जो रेज है, लाइट की रेज है, वो देखिए इस तरह से दूसरी लाइट हमारी इस तरह से जा रही है, क्योंकि बीम ऑफ लाइट है ना ये, तो बीम ऑफ लाइट है, ये देखिए, है ना, इसको बड़ा बना लेते हैं, बॉटम का जो हमारा जहां से हम देख रहे हैं। ओके, अब क्या होगा, अगेन देखिए ये इसका नॉर्मल है, वापस क्या होगा, कहां जाएगी लाइन, अवे, ऐसे, क्लियर, दूर चली जाती है, और दूर जाने के लिए जब आप आईज से देख रहे हैं उस चीज को, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप अपनी आईज से, तो क्या होगा, ये आपकी क्या है, आई, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जनरली देखो, अब इसको आप पीछे बढ़ा दीजिए, मेनली ये रेस ऐसे जा रही है ना, अब ये कहां जाएगी, देखिए ऐसे आनी चाहिए ना ये लाइन, ऐसे होना चाहिए था, तो एक्चुअली इसकी जो डेप्थ है वो आपको यहां नजर आएगी, और ये जो इमेज है ये क्या होगी, वर्चुअल, ये मीडियम आपका क्या ध्यान है ना, ये वाला क्या है आपका वाटर, और ये वाला मीडियम कौन सा है, एयर। ये डायग्राम आपको समझ आया कि मैंने क्या किया है, है ना, इसको नाम दे सकते हैं आप रेस को, कि आपका यहां से आप जो रेस दिखाई दे रही है उसको नाम दीजिए, ये ओ सरफेस मान लीजिए, ये ओ डैश सरफेस मान लीजिए, क्लियर, यहां पर आपको जो बन रही है रे वो क्या है, ए मान लीजिए, ये आपको डी पॉइंट पर दिखाई दे रहा है, ए से ओ और बी, ऐसे यहां पर ए डैश, और ये कहां से जाएगी, ओ, और ये बी डैश, इस तरह से आप इसे नाम दे सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ आया होगा कि स्विमिंग पूल का हिस्सा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, बिकॉज वाटर से एयर में
जा रही है जो लाइट है वो वाटर से एयर में जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो वो क्या होती है, नॉर्मल से अवे हो जाती है, देन जो ओरिजिनल उसकी स्थिति है वो यहाँ आकर मिलती है, यानी पीछे जाकर वो यहाँ दिखाई देता है, और इसलिए हमें इसकी डेप्थ वो दिखाई देती है, कम दिखाई देती है। समझ आया? चलो सेकंड वो देखते हैं। देखो रीजन पूछा जा सकता है आपको, फिर डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा कंसिडर करें। अगर खाली फैक्ट पूछा तो आपसे ऊपर का हिस्सा लिखते हैं, लेकिन अलग से अगर कुछ पूछा है तो फिर आप उसको एक्सप्लेन करके शो करें। सेकेंड इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। देखिए ये तो आप बच्चे बहुत करते हैं, अ स्ट्रेट मतलब सीधी जो स्टिक है, पेंसिल भी ले सकते हैं आप, ये पेंसिल भी हो सकती है ना, बच्चे खेलते हैं ना इसको, पानी में डाल देते हैं पेंसिल को, वो हल्की सी क्या दिखाई देती है, विच इज इमर्ज्ड पार्शली इन वॉटर, ऑलवेज लुक्स टू बी बेंट एट द सरफेस ऑफ वॉटर, सेम एज इट इज। जैसे स्विमिंग पूल में आपने देखा था कि आपने क्या देखा था, उसकी जो डेप्थ है वो हमें क्या दिखाई देती, कम दिखाई देती, सेम एज इट इज ही यहां पर भी वही सिचुएशन होगी, यानी ड्यू टू रिफ्रैक्शन, है ना। अब इसका भी आंसर आप ऐसे लिखेंगे जैसे कि उसमें लिखा था कि जो लाइट कमिंग होती है, कहाँ से लाइट कम हो रही है, जो स्टिक की बॉटम वाली सरफेस से जब लाइट कम आउट होती है तो आपको वो सरफेस से कैसे नजर, मतलब उसका हिस्सा जो है बैंड हो जाता है सरफेस पर। ओके, पहले से हम डायग्राम से समझ लेते हैं, तो डायग्राम क्या होगा हमारा, देखिए ये वाटर सरफेस है हमारी, यानी वाटर का कंटेनर समझिए जो भी है, तो उसमें हमने क्या रखा, एक स्टिक रखी हुई है, ये स्टिक है या पेंसिल समझ लो, बच्चे पेंसिल से भी खेलते हैं, है ना, ये पेंसिल है हमारी, और ये वाला हिस्सा हमारा क्या है वाटर, और ये वाला हिस्सा क्या है एयर, यानी रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, क्लियर। और इसमें जो ये स्टिक है, ओके, इससे जो रे बन रही है वो कैसे बनेगी, देखिए इस तरह से बनेगी, एक तो ये ना तिरछा हो जाता है, ऐसे बनेगी देखो। अब ये रे कहाँ जाएगी, ये हमारा क्या होगा नॉर्मल है, तो नॉर्मल से ये रे क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, यानी इस तरह से चली जाएगी, ऐसे ये हमारा नॉर्मल है, सीधी रे ना जाकर कैसे जाएगी, बैंड हो जाएगी, ऐसे, समझ आया। और यहाँ आपकी क्या है, आइस है, अगर ये आपकी आइस है तो यहां पर आपको कैसा दिखाई देना चाहिए, सीधा ये दिखाई देनी चाहिए, बॉटम वाली सरफेस ये दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और नहीं होने के कारण देखिए ये जाकर पीछे जॉइंट, मतलब ऐसे जाके मिलेगा, क्लियर, और जहां ये मिलेगा वहीं पर आपको ये हिस्सा दिखाई देता है इसका, यानी ये वाला हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, आपकी इमेज फॉर्मेशन का होगा, इसको ओ मान लीजिए, क्लियर, ये आपका बी हो गया। तो इस तरह से आपको क्या होगा, जो ओरिजिनल आपकी डिस्टेंस है, ये सी आपका पॉइंट, ये डी हो गया, ओके, और रे कहां से जा रही है, इस तरह से जा रही है, यानी वाटर से एयर में जा रही है, अगेन वही बात, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, है ना। और इसमें जो हमारा क्या कहते हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये जो बन रही है इमेज, ओ वाली जो पॉइंट वाली इमेज है, वो हमारी क्या है, वर्चुअल इमेज, क्लियर हुआ ये, कि स्टेट स्टिक या कोई पेंसिल या कुछ भी आपको क्यों वाटर में ऊपर दिखाई देता है, थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है, नीचे जितना है उसकी एक्चुअल डेप्थ होती है वो दिखाई नहीं देती है, है ना। अब इसका रीजन आप दे सकते हैं वैसे तो अपने आप भी, लेकिन अगर आपको मैं लिख के बताऊं तो क्या लिख के बताऊंगी, कि बिकॉज आपसे बाय करके पूछा सकता है, तो बिकॉज द लाइट कमिंग सेम एज इट इज, जैसे आपने डायग्राम बनाया सेम उसी हिसाब से आपको लिखना है कि लाइट कमिंग, कहाँ से लाइट आ रही है, फ्रॉम द स्टिक, यहीं से तो आ रही थी लाइट, और ये स्टिक पर जो लाइट पड़ी थी वो बैंड हो जाती है, कहाँ पर हो जाती है, जब वो सरफेस से सरफेस पर पहुंचती है, व्हेन
it comes out at the surface. और ऐसा क्यों होता है? Because due to refraction. क्लियर हुआ सेकेंड इफेक्ट क्या है? ओके तो चलो थर्ड की बात कर लेते हैं. थर्ड इफेक्ट क्या होगा हमारा? थर्ड इफेक्ट है हमारा, देखिए अ कॉइन. कॉइन सब जानते हैं, सिक्का है ना. कॉइन प्लेस्ड अंडर वॉटर अपीयर्स टू बी रेज्ड. अगेन वही बात है, देखिए सब में वही चीजें चलती जा रही हैं. रेज्ड बिकॉज अगेन किसके कारण हो रहा है ये? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. समझ आया? देखिए ये आपका क्या है, एक वाटर टैंक कंटेनर ग्लास कुछ भी जिसमें कि आप कॉइन डालते हैं. तो ये कॉइन आपको पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये कॉइन है और कॉइन की ओरिजिनल प्लेस है जहां पर ये रखा हुआ है, पड़ा हुआ है मतलब. तो जब इससे कोई लाइट देखो जाती है ऐसे, तो अगेन क्या होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. यहां से लाइट चली और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई. ये आपका नॉर्मल है, पता है ना आपको. बार बार मैं इसी चीज को रिपीट कर रही हूँ. ओ सरफेस से ये आपकी, और लाइट आपकी कहाँ से? ए से ओ और ओ से बी, इतना पहुंचना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता और अगेन ये कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ. देखिए ओके बच्चों, और हमें कहाँ दिखाई देगी इसकी ओरिजिनल स्थिति? यहां पर. ये हमारी अपीयर्स टू बी हेयर, यानी यहां अपीयर हो रहा है. अपीयर्स टू बी हेयर. समझ आया? और इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज. इसको सी नाम दे दीजिए. ओके और ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा था? एयर. ये बाबा देखो मैं नाम लिख रही हूं, ऐसा नहीं मैंने आपको बोल दिया है और आपको नाम लिखकर नहीं शो किया है. तो आपको भी जब डायग्राम आप शो करेंगे तो उसमें लेबल पूरा होना चाहिए. ये आपका क्या है? वाटर. यानी ये डेंसर मीडियम और ये आपका रेयर मीडियम. क्लियर बच्चों? थर्ड पॉइंट समझ आ गया. चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, फोर्थ की बात करते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या होगा आपका? ट्विंकलिंग. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ये सब जानते हैं कि स्टार्स होते हैं, ट्विंकल होते रहते हैं, है ना, ऐसे ऐसे होते रहते हैं. क्यों होते हैं? इसका भी रीजन क्या है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन. ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सेम रीजन कि जब स्टार से आने वाली जो लाइट हम तक पहुंचती है तो वो लाइट क्या होती है? एटमॉस्फेयर के कारण रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्रैक्शन के कारण जो उसकी एक्चुअल स्थिति है वो वहां ना दिखाई देकर क्या होगा? ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण वो हमें वर्चुअल इमेज के रूप में दिखाई देगी. और यही कारण है कि हमें स्टार जो है ट्विंकलिंग के रूप में दिखाई देते हैं. फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स का. फिफ्थ पॉइंट क्या है? देखो लेमन. ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन फिफ्थ तक तो चलो हम बात कर ही लेते हैं, है ना. लेमन कैप्ड अंडर वाटर. अगर आप किसी लेमन को पानी के अंदर किसी ग्लास वगैरह के अंदर रख देते हैं अंडर वाटर, इट अपीयर टू बी बिगर. तो कैसा दिखाई देता है? बिगर दिखाई देता है देन इट्स एक्चुअल साइज. रीजन फिर अगेन वही हो जाएगा कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन. अच्छा, इसके अलावा आपने जैसे रेगिस्तान में मिराज देखा होगा. उसको कहा जाता है कि रेगिस्तान में से पानी होता नहीं लेकिन दिखाई ऐसा देता है जैसे पानी है. तो उसका रीजन भी यही है. समझ आया? तो इस तरह से इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या इफेक्ट्स होते हैं रिफ्रैक्शन के. बहुत सारे है ना, देख लिए आपने, तो मे बी आपको क्लियर हो गया होगा. ओके बच्चों,
अब हम नेक्स्ट जो भी हमारे पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे।